कश्मीर के कृषि निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज गांदरबल जिले के मधुमक्खी पालन पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन के तहत कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग गांदरबल द्वारा किया गया था और इसमें मुख्य कृषि अधिकारी, मधुमक्खी पालन विकास अधिकारी, गांदरबल मधुमक्खी पालक, किसान, बेरोजगार युवा एवं अन्य हितधारकों ने भाग लिया था। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए कृषि निदेशक ने किसानों की समग्र आय के लिए एक मनार्थ स्रोत के रूप में मधुमक्खी पालन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह उत्साहजनक है कि बड़ी संख्या में युवा आय और आजीविका कमाने के लिए मधुमक्खी पालन को मुख्य उद्यम के रूप में अपना रहे हैं। निदेशक ने क्षेत्र के शिक्षित युवाओं से मधुमक्खी पालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और योजनाओं से आगे आकर लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत मधुमक्खी पालन विशेष परियोजना के विकास को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन एक ऑफ फार्म गतिविधि के रूप में व्यापक कृषि जलवायु विविधता के कारण रोजगार सृजन की संभावना है, जिससे मधुमक्खी वनस्पतियों की वर्ष भर उपलब्धता बनी रहती है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल प्रोग्राम हम लोगों ने पिछले महीने से एक कैलेंडर बनाया था, आज डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में ये 2 दिन की वर्कशॉप जो है नेशनल बी बोर्ड के तहमन के साथ ये 2 दिन का प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया जा रहा है, जिसके बारे में किसानों को अच्छे तरीके से जानकारी दी जाएगी कि शहद की मक्खियाँ पालने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, चाहे वो हम उससे हानि एक्सट्रैक्शन के लिहाज से ले लें, चाहे हानि का जो डायरेक्ट रोल हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में है उसके लिहाज से ले लें, या उससे जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा हम जो किसान को देना चाहते हैं कि हमारा फार्मर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करें, उसके साथ साथ में एप्पीकल्चर को हम ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि हमारे किसान की आमदनी जो है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि डबल होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लेके चलें। और ये सब चीज़ें उस मिशन का हिस्सा हैं जो पिछले साल यूटी गवर्नमेंट ने किसानों की फलाह बहबूदी के लिए एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया, उसके बीच में 29 जो प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्टों के मिलने से बेरोजगार बच्चों को रोजगार कितनी मिलेगी, क्योंकि उसमें सबसे जो ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि हमारे जो बच्चे हैं ये रोजगार मांगने वाले नहीं बने बल्कि ये रोजगार देने वाले बने, और रोजगार देने वाले इसी बन सकते हैं जब प्राइमरी एग्रीकल्चर के साथ सेकेंडरी एग्रीकल्चर को जोड़ा जाएगा, और सेकेंडरी एग्रीकल्चर का एक एम रोल होगा, चाहे वो प्रोसेसिंग के लिहाज से हो चाहे वैल्यू एडिशन के लिहाज से हो। तो ये सभी प्रोग्राम जो मनाए जा रहे हैं ये उसी का हिस्सा है।